मैम यह मैम लुक यहाँ वेट 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 मैम लास्ट भाई एक बार इधर रुक जाए ना, एक बार रुक जाए भाई भी रुक गए, सनी भाई भी रुक गए थे, मैडम भी रुक गए थे। भाई हैप्पी जर्नी। सर विदाउट मास्क रहेगा सर? कैटरीना जी भी जा रहे हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग मैम, लुक यहाँ वेट 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 मैम लास्ट। फाइनली तौर पर कैटरीना कैफ की रेड कार्पेट की लुक के साथ साथ इनके हस्बैंड की लिप लॉक फैंस को बहुत ज्यादा क्यूट लगी। आज की रात में जिस तरीके से फिल्म में रेड सी अवार्ड में इनको देखा गया, दोनों हस्बैंड और वाइफ ने वाकई ही कूल अपीयरेंस दी, लेकिन जिस तरीके से ये मिले, फैंस का कहना था कि कैटरीना कैफ तो वाकई ही प्यारी लग रही है, लेकिन जिस तरीके से ये इवेंट्स में मिलते हैं, जिस तरीके से इनकी आपस में जोड़ी है, इनकी आपस में बॉन्डिंग है, फैंस को इनका ये प्यार मोहब्बत शादी के एक साल बाद भी सबसे क्यूट लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड में अगर नंबर वन जोड़ी की बात की जाए तो इस टाइम लेटेस्ट टाइम के सबसे नंबर वन जोड़ी कैटरीना कैफ और विकी कौशल, और यहीं पर कैटरीना कैफ व्हाइट कलर के इस मैक्सी में सुपर डुपर अडोरेबल लगी। खैर थोड़ी सी मोटी तो जरूर हो चुकी है, लेकिन इनको हर चीज सुपर क्यूट लगती है। फैंस का कहना है शायद इन्होंने अपनी शादी के बाद अपनी जिम रूटीन को, अपने जिम को, अपने वर्कआउट को बहुत ज्यादा कम कर दिया, लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ इज सुपर अडोरेबल। और यही बात है कि विकी कौशल के साथ जिस तरीके से बातें करते हुए दो तीन दफा ये मिली इस इवेंट के अंदर ही, फैंस का कहना था कि कैटरीना कैफ जिस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ विकी कौशल से, उनके चेहरे पर जो ग्लैम था, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो ब्लश करता था उनका चेहरा, वो किसी का बॉयफ्रेंड से मिलकर ही करता है। लेकिन क्या बात है कि विकी कौशल शादी के बाद भी उनको एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ प्रिंसेस ट्रीट करते हैं, और यही बात है कि कैटरीना कैफ इतनी ज्यादा हैप्पी और लकी है, और यही बात फैंस को सबसे ज्यादा सुपर क्यूट और अडोरेबल लगी है। कैटरीना कैफ की लुक्स तो प्यारी लगती ही है, लेकिन जिस तरीके से दोनों की लुक्स, दोनों की मोहब्बत, दोनों के लिप लॉक प्यारे लगे, फैंस का कहना था वाकई सुपर डुपर अडोरेबल जोड़ी है। व्यूअर्स आपको ये जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।